है, उसी तनाजुर में उन्होंने शेर कहा है, समाज फरमाए कि वफा को रंग दिया है अतश के सूरज ने, न होती धूप तो पत्ता हरा नहीं होता। नारा है नरी, न होती धूप तो पत्ता हरा नहीं होता। आइए हजरात, इन्हीं हसीन तरीन मिसरों के जरिए साया मैं मेहमान शायर जनाब हैदर शिराजी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने अशार से हमारी समातों को नवाजे। आप हजरात एक बुलंद तरीन नारे सलवात से उनका खैर मकदम फरमाएं। इस शेर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत ही कम लम्हे में ज़्यादा शेर पेश करूँगा। उसमें कि मौसम भी ऐसा है कि दिन में गर्म रात में सर्द, तरन्नुम वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किलात वाला मौसम है। खैर जहाँ तक हिम्मत है मैं कलाम पेश करता हूँ। बाबा से नारे सलवात आप हज़रात पढ़ दें। मौला अब्बास के वाले से, जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास हसन भाई, जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। ताज भाई, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। तीसरा चौथा मिसरा बता रहे खास हजरात, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास, तो करबला खौफ कि करबला उगलती पानी कि करबला खौफ से लम्हे में उगलती पानी, तपते सहरा पे अगर हाथ लगाते कि जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास, हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास, कि करबला खौफ से लम्हे में उगलती पानी, तपते सहरा पे अगर हाथ लगाते अब्बास, तपते सहरा पे। एक सलवात पढ़ें अब्बास साहब। हज़रत 13 रजब भी अनकरीब है, मौला जी के वाले से चार मिसरे बता रहे खास समझ फरमा। है दारमी समी तेवर में कौन बोलेगा, है दारमी समी तेवर
میں کون بولے گا کس سوا گوہے کے سمندر میں کون بولے گا سوا گوہے کے سمندر میں کون بولے گا اور علی کے نام پہ وقت نہ بولنے والے علی کے نام پہ وقت نہ بولنے والے تیرے سوالوں پہ محشر میں کون بولے گا مولانا حیدر صاحب قبلہ کا انجمن پرچم احفاظ تحریر سے جشن باب الحرائش میں استقبال، آپ اوپر تشریف لائیں، اوپر تشریف لائیں بھیا محمد علی، بسم اللہ۔